आसो, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी चलो। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें और अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी। आज तो फिर छड़ी पाजी रोड शुरू है, दुकाना खुल गया। हाय शुक्र है। शुक्र है। आज है? थोड़ा जाना हैप्पी हैप्पी है। क्यों पैसे लगने? मेरी भी शायद क्लाउड है। नाजरीन अब देखें तो पीछे वो नवी खिड़कियाँ आई हैं, तो खिड़कियाँ जड़िया ने पुरानी सारिया लान गए, तो नवी दोबारा लान गए लान गए तो लान गए दो लफ्ज़ ने ना नहीं तो सारा कुछ वेख के तुम क्यों एडी हैप्पी हो? ਹੈਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਈ ਥੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ये हमारा सेटमेंट है और 3 महीने ये लगनी है खिड़कियाँ और मुझे सोच सोच के ये हो रहा है जो घर वाले हैं ना जो जिनकी लगनी है उनको स्ट्रेस होनी है कि सारे शीशे खाली करने हैं क्योंकि जब खिड़कियाँ हाँ मेरे घर में जब आए थे ना तो मेरी अलमारी थी खिड़की के आगे और वो कह के बड़े कपड़ों वाली बड़ी अलमारी हाय जब वो कह के गए थे ना कि इसको साइड पे करना है तो मुझे गशियाँ चढ़ने लगी। मैंने बहुत तरले किए कि नहीं नहीं ऐसे कर दे भाई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको जुर्माना लगेगा इसको। मैडम हाँ जी हाँ जी चलो मैडम आ रही है। हाँ मैडम देख पीछे पीछे आपका। अभी हम घर से निकले हैं, हमारी दोनों की जो बातें हसबे मामूल होती हैं वो आप सुन रहे थे। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और इतने दिनों के बाद मैं क्यों आई हूँ, कैसे क्या हुआ है, इतनी लेट क्यों हो गई हूँ मैं। तो मैं अभी आगे आगे थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो हम दोनों जा रहे हैं, आज मार्केट्स हमारी हो गई हैं ओपन, तो उसकी देर से हमें इतला मिली है और उसके लिए हमने भाग दौड़ की और हम जा रहे हैं मार्केट्स। आज फिर मैं मार्केट जा रही हूँ लेकिन आज कोई गाना शाना नहीं क्योंकि बड़ी खामोशी है। नहीं, गाना की गाना है। की मसला है जनाब? चाय नहीं पी के है और चाय पी के है। चुप चुप है। नहीं नहीं मैं ना दो दिन काम नहीं थे और सोचन दिया सी मतलब केड़े केड़े काम ने वो जनाब तानू होता है कि सिर्फ चाय पानी काम है। चाह पानी थोड़ा काम है। थोड़ा काम भी होता है आपकी शायरी और आपके गाने इतनी डिमांड में है ना आप कसम से मैं। हाँ वो कहती है कि जो आपकी शायरी है ना वो आप पोस्ट किया करें लिख के अपना जरा पेपर है ना मैं देना है मैं पोस्ट करना क्यों ते नालो तो मेरी पहना चंगी है ना तेरे मेरी वजह तू तुसी ताड़ी तदाद वदी सुनने वाली। अच्छा दूसरी एक डिमांड है जरूर उन्होंने कहा सी कि पंजाबी जी तुसी दो गाने गाए ने उन्होंने बहुत पसंद आए ने वो राहत फतेह अली खान दी कोई भी गाना कहने कोई भी गाना तुसी सुना दो सानू बेशक दो लाइना हो ते मैं उन्होंने कहा सी जरूर की सलाह है राहत फतेह अली खान साहब दा गाना है। उन्होंने आवे बड़ा फिर मजा आंदा है सीगा मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजो कलियां रे के रोंदे ने इंतजार तेरा के दिल तू यूं जान
गुड, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। देर से जो मैं बात कर रही थी इतला मिली है क्योंकि कोई ऐलान वगैरह हुआ ही नहीं था कि इतनी लॉकडाउन खुल गया या मार्केट्स वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो जैसे अभी इंस्टाग्राम आपको पता है देखते ना, उसमें वो आई नाखरिश जैसे कहते हैं, मैंने पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मार्केट्स वगैरह ओपन हो गई हैं। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन किया बाकायदा मार्केट्स वालों को कि आप हमारी ना लेवल देखें उदासी का, कि हम कितने उदास हो गए, मार्केट्स अगर खुली हैं और बंद थी तो कितने हम उदास थे। तो हमने मार्केट्स जो जहाँ खड़े होना है ना भी वहाँ फ़ोन किया है, तो वो कह रहे नहीं ओपन है, नॉर्मल है, आप आ जाएं। और उनके कहने से ना हम लोग आए, और जब आए तो ये हाल देखा। अभी ये देखें इनके पीछे जाके हम लोगों ने खड़े होना है, क्योंकि पहले तो हमें यही था इस दिन सिर्फ एक दिन मार्केट खुलनी है, तो उस वजह से मुझे ज़रूरी खड़े होना पड़ा इधर कि नहीं मैंने बच्चों की चीज़ें लेनी है, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और बच्चों के ना आपको पता है पजामे वगैरह मुझे चाहिए ज़रूर। तो इतना रिस्क मैंने लिया कि इतनी 50-60 अफराद के पीछे मैं खड़ी हुई, तो मुझे होना पड़ा क्योंकि मैंने लेके जानी जानी थी। और आज तो वैसे भी आपको पता है इतनी देर के बाद मार्केट्स खुली है, तो जो भी ये तो बंदा वो कहते हैं ना कि कुर्बानी दे ही देता है। अच्छा जी, तो मैं आज 4 दिन के बाद क्यों आई हूँ, तो मुझे इतने मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे कि आप बाजी कहाँ हैं, सिस्टर कहाँ हैं, आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो काम किया है ना उसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते कमाए हैं। तो सबके लिए दुआ मेरे दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रहे, जैसे मेरी फिक्र करते हैं, जैसे मुझे बार बार पूछते हैं, तो मुझे जैसे कोई मैसेज आता था वैसे मेरे दिल से वैसे ही दुआ निकलती थी उनके लिए भी कि अल्लाह ताला जो जो मेरी फिक्र करते हैं अल्लाह ताला उनकी फिक्र करे, उनके सुकून दे घरों में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं और इतने अच्छे अच्छे केयर करने वाले मिले हैं। तो मैं थोड़ी सी बिजी नहीं कहेंगी, लेकिन ये था कि पाकिस्तान में ज़ाहरी बात है मेरे अम्मी अबू मतलब बहन भाई उधर रहते हैं, तो मेरे भाई की जो तबीयत थी वो ख़राब थी, और आपको पता है ऐसे जो क्लोज रिश्ते होते हैं ना उनकी अगर कोई ऐसे मसला हो तो दिल बिल्कुल भी कोई काम करने को नहीं करता था, ऐसे ही मेरा हाल था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैंने मैसेज करके बताया था कि ये प्रॉब्लम है, तो सब ने इतनी दुआएं की मेरे भाई के लिए, सब का शुक्रिया कि अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक है और अब घर आ गए हैं। तो इसी वजह से आज मैं हैप्पी वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं बड़ी खुश हूँ, एक तो मेरी मार्केट्स खुल गई हैं और एक मेरे भाई ठीक हो गए माशाल्लाह। तो अब मैं हमारी हो गई है अंदर दाखली, तो वीडियो में तो आपको लगा कि जल्दी जल्दी बाजी अंदर चले गई और ऐसे कह रही कि हम इतनी देर खड़े रहे हैं, मैं 45 मिनट खड़ी रही उस ठंड में, तो लेकिन मजबूरी थी जाना था अंदर, क्योंकि एक तो ये था कि सेल लगी है, सबसे पहले तो मार्केट्स खुली हैं पहले दिन, दूसरा ऊपर से ये CND जो है ना इसने कमाल पता क्या किया कि पहले दिन ही जो सेल की चीज़ें थी उसके ऊपर 70% और सेल लगा दी थी। और मैं अभी आपको ना ये जो बहनें आगे खड़ी हैं इनके मैं शॉपर दिखाती हूँ कि एक बहन ने 4-4-5 शॉपर उठाए थे, 2-2-3-3 हाथों में थे, और कसम से वो जो काउंटर पे जाते जाते ना 2-3 जो शॉपर होते हैं नीचे उनको पाँव के साथ घसीट के वो कासे पे या काउंटर पे लेके जा रही थी। तो मैं जो थी ना मैं बार 2 शॉपर लेके आई, वो मैं अभी आपको भी दिखाने लगी हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ, जो मुझे चाहिए थी वो मैं पूरी प्राइस में लेके आई हूँ, क्योंकि मैं एंड इतनी आपको पता है इतनी लंबी लाइन में जो लोग पहले चले जाते हैं कुछ बचा ही नहीं, खास तौर पर बच्चों के, जारी बात है जैसे मैं बच्चों की चीज़ें लेने आई हूँ ऐसे सब लेने आई थी, तो कुछ बच्चों का इतना खास बचा नहीं था। तो ये जो फ्रॉक्स वगैरह ये मैं पूरी कीमत पर लेके आई हूँ, तो ये जो मेरी शॉपिंग है। तो आप देखें आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के जो कपड़े थे वो तो मैं नॉर्मल प्राइस में लेके आई हूँ, और बाकी पजामे वगैरह भी नॉर्मल लेके आई हूँ, और कुछ जो जर्सियाँ वगैरह ना जैसे अब सारी बात सर्दी जा रही है गर्मी आ रही है, सर्दी की चीज़ें जो जर्सियाँ वो मुझे लगी हैं सेल में मिली है ना, तो बाकी चीज़ें जो थी वो मुझे ये था कि चलो ठीक है मैं आई हूँ मैं कुछ ले जाऊँ, क्योंकि जो बेटा है ना फार्म बिल्कुल भी पैंट वगैरह नहीं पहनता, थोड़ा हेल्दी है माशाल्लाह, उसको पजामे चाहिए थे, तो उसके लिए मैं मुझे बड़ा ज़रूरी था कि मैंने लेके ही जाने हैं, तो उसके नॉर्मल प्राइस में मिले थे, चलो ठीक है ले आई हूँ बस। तो आज का जो मेरा व्लॉग वो हैप्पी एंड हुआ है, और शुरू में मैंने आपको अपने मियाँ का गाना भी सुनाया है, और मुझे आज भी इतनी खुश हूँ माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिए, आप अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।